अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हो मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आज मैं जो एपिसोड जो लेके आया हूं, जो वीडियो में बना रहा हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ मेवाती भाइयों के लिए है, मेवात जिला के लिए है, ताकि ये कन्फर्म आपको हो सके आखिर मेवात जिला से टोटल वोट कांग्रेस को कितनी मिली और भाजपा को कितनी मिली। चलिए हम सबसे पहले नूह विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नूह विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन अजय यादव को मिले हैं 82,116 वोट। दोस्तों वहीं राव इंद्रजीत को मिले हैं 36,258 वोट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका की। तो दोस्तों विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के कैप्टन अजय यादव को मिले हैं 108,324 वोट। वहीं इंद्रजीत की हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को मिले हैं 30,466 वोट। दोस्तों अब हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र पुनाना की, जो मेवात जिला का तीसरा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों पुनाना विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन अजय यादव को जो वोट मिले हैं वो है 81,125 वोट, यानी 81,125 वोट कैप्टन अजय यादव को पुनाना से मिले हैं। जितनी हम और आप उम्मीद लगा रहे थे उतनी ही वोट यहाँ से मिली हैं। वहीं कैप्टन के मुकाबले में राव इंद्रजीत को मिली है 22,045 वोट। लिए अब मैं आपको वो बात बताता हूँ कि आखिर भाजपा की इतनी वोट नूह फिरोजपुर झिरका और पुनाना के अंदर भी क्यों मिली है। बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिली है, लेकिन इतनी जो वोट मिली है ये किस तरीके से मिली है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नूह विधानसभा क्षेत्र में जो 34,000 कुछ वोट जो भाजपा ने ली हैं उसमें कहीं ना कहीं चौधरी जाकिर हुसैन की ढील मानी जा रही है। उसकी ढील की वजह से 34,000 वोट नूह जैसे मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में जो राव इंद्रजीत को वोट मिली है। वो बताया जा रहा है कि खुद रहणा जो चौधरी जाकिर हुसैन का गांव है उस रहणा के अंदर एक इनेलो का विधायक होते हुए भी बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिल पाई वहां पर, यानी रहणा गांव के अंदर केवल 3 से 4 वोट इनेलो पार्टी के खाते में गई हैं। वहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस तरीके से चौधरी जाकिर हुसैन अपने गांव में इनेलो के लिए वोट नहीं डलवा सका तो वो वोट फिर कहां गई है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं फिरोजपुर झिरका की, तो वहां पर पहले ही भाजपा का प्रत्याशी भी रहा है और इस वक्त उनका थोड़ा दबदबा, यानी जिला प्रमुख है मेवात का, वो है आलम उर्फ मुंडल। उन्होंने पुरजोर कोशिश करके 24,000 मत भाजपा के लिए विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका से हासिल कराए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र पुनाना की, कि आखिर भाजपा को 22,000 मत कैसे हासिल हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेवात की सबसे हॉट सीट मानी जाती है जिस पर कांग्रेस पार्टी का टिकट 2 बार चुनाव हार चुका है, लेकिन तब से चौधरी मोहम्मद इलियास पूर्व पशुपालन मंत्री कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तब से पुनाना विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ अच्छी खासी तरीके से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों इतना ही नहीं, अब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर 22,000 वोट किस तरीके से भाजपा के लिए मिली। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि 22,000 वोटों में से 12,000 वोट जो मिले हैं बीजेपी को वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व थे, यानी वो मिलने ही थे भाजपा को, वो पिनंगवा शहर और पुनाना शहर का हिंदू समाज और जो सभी गांवों को मिलाकर, कहीं किसी गांव में 100, किसी में 50, किसी में 200, किसी में 400, इस तरीके से जो हिंदू समाज की वोट थी वो हिंदू भाइयों ने भाजपा के लिए अपनी पार्टी समझकर वो वोट डाली है। इसलिए 12,000 वोट हिंदू समाज की रिजर्व थी, बची 10,000। अब 10,000 का मैं आंकड़ा आपको बताता हूँ कि वो कैसे मिली। दोस्तों 10,000 में से 2,000 वोट ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट लिंक राव इंद्रजीत सिंह से है। मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि ऐसे दर्जन भर लोग हैं इलाके के जिनका लिंक राव इंद्रजीत से सीधा सीधा है और वो उन्हीं को वोट देते हैं और दिलवाते हैं। इसलिए बची 8,000 वोट। 8,000 वोट में अब मेरे सामने तीन ऐसे, यानी कि 3 से 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए जिन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए हैं, तब जा करके ये 8,000 वोट मिली हैं। उनमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भानीराम मंगला, जो कि गौसेवा आयोग के चेयरमैन हैं। वहीं दूसरी मैं बात कर लेता हूँ औरंगजेब बिसरू की, जो कि हज कमेटी के चेयरमैन हैं और उनकी वजह से भी बिसरू गांव से भाजपा के लिए वोट मिली है। तीसरी में बात करूं तो दोस्तों वो है विधायक रहीसा खान, जो पुनाने से निर्दलीय विधायक जीता था और बाद में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, उसके बाद उसे हरियाणा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं उन्होंने भी पुरजोर कोशिश करने के बाद
8000 जो वोट हैं वो इन तीनों शख्सों के लिए 8000 वोटों का सिरा जाता है। भानीराम मंगला, औरंगजेब बीसरू और विधायक रहीसा खान, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों की मेहनत को मिला करके 8000 वोट पुनाना विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं भाजपा को। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास और हाजी साहब का पटवारी सिंगारिया और एजाज खान काटपरी और कुछ अन्य कांग्रेस नेता इसमें शामिल थे, जिनकी वजह से ये 81 से 82 हज़ार वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो दोस्तों इससे एक चीज़ साफ हो चुकी है कि दोस्तों विधानसभा के चुनाव में जो भी कैंडिडेट मेवात से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगा ये डेफिनेटली है कि वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगा। वहीं चौधरी मोहम्मद इलियास का रास्ता पुनाना विधानसभा क्षेत्र से साफ हो चुका है, क्योंकि उनकी हार मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की जनता फिलहाल का जो रुझान हमें बता रहा है चौधरी मोहम्मद इलियास का दामन थाम चुकी है। इसीलिए यहाँ से 82000 के करीब कांग्रेस पार्टी को वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों देखते रहिए मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबरें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।